पिछले दर्स में ये आयात चल रही थी कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए नबी आप मुकदबीन की इतात ना करें सूर्क क़लम जो लोग भाई इसको चला दें यार जो इनकार करते हैं आखिरत का उनको फॉलो मत करें क्योंकि जो आखिरत का इनकार करेगा ना उसकी ज़िंदगी कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो सकती उसको क़ानून सीधे रास्ते पे चला सकता है लेकिन कानून इंसान के बनाए हुए क़ानून भी नाकस और निगरानी भी नाकस लोग कैमरे लगा देते हैं वो कैमरा ही चोरी हो जाता है तो इसलिए जब तक अल्लाह का खौफ नहीं हो आखिरत में जवाब का खौफ नहीं हो तो इंसान सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सकता नामुमकिन है ये वो मशहूर वाकया है ना एक तो बयान शुरू ही वाकया से हो जाता है तो ये फिर क्या करें वो एक तकरीब में एक खातून का लॉकेट चोरी हो गया बड़ा कीमती लॉकेट था अब मेज़बान ने ऐलान किया भाई ये बड़ा कीमती लॉकेट है अल्लाह का वास्ता जो जिसका है दे दो लोगों ने कहा ऐसे तो जो भी देगा वो पकड़ा जाएगा कि वो सबको पता चल जाएगा चोर है तो चोर का राज भी फाश ना हो और लॉकेट भी वापस आ जाए उसका तरीक़ा ये कि लाइट बुझा दो खूबसूरत सा प्याला रखो भाई जिसने लॉकेट चुराया है उसको अल्लाह का वास्ता दो बोले भाई चुपके से इसमें डाल दो किसी को पता भी नहीं चलेगा लॉकेट भी आ जाएगा लाइट ऑफ कर दी गई पहले तो डराया गया समझाया गया रोना धोना किया गया भाई अल्लाह ख्याल था तरस आ जाएगा चोर को तो लाइट बुझा दी गई लाइट खोला तो देखा प्याला भी गायब है <laughs> लाइट ऑन की तो देखा के प्याला भी गायब है तो आखिरत का खौफ ना हो ना तो फिर इंसान पर कोई नसीहत असर नहीं करती और आखिरत का खौफ है तो बहुत सारी चीज़ों से बचा रहता है हमारे यहाँ जो मुसलमानों में कुछ जराइम हैं कुछ नहीं भी तो है ना बहुत सारी हम में ख़ूबियाँ भी तो हैं जो बुराइयाँ नहीं हैं वो क्यों नहीं है, है? आखिरत का खौफ डर होता है यार जाना तो है ना कब्र में तो अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया मुक़ज़िबीन को फॉलो मत करो और हम सुबह शाम जिनको फॉलो करते हैं वो मुकजबीन ही हैं सारे वो आखिरत पर ईमान नहीं होता उनका होता है तो ऐसे कमजोर तो वो कहां से आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा भाई वो तो पैसा शोहरत इज्जत सेहत ये चार पांच चीजों में घुमाता रहेगा आपको इज्जत पैसा शोहरत हम जब छोटे थे हज़रत अपने शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहबल्ला की मजलिस में हम जाके बैठना शुरू हुए तो अहलुल्ला की वलीउल्ला होने की एक अलामत यह होती है कि उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम होती है समझ रहे हैं ना दुनिया की मोहब्बत ये अहलुल्ला की अलामत होती है इंसान को ज़्यादा दौलत प्लॉटों जायदाद ये बातें करना अच्छा नहीं लगता काम करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते उसको अच्छा नहीं लगता ये इसकी ओलमा मिसाल देते हैं कि जैसे वॉशरूम ज़रूरत तो है तो ज़रूरत से इंसान जाता है वापस आता है वहां कोई शौक़ से नहीं बैठता कि यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं बैठा हुआ बेगम यहीं कुर्सी ले आओ यहीं डाल के बैठता हूँ यहीं चाय पीता हूँ यहीं मुताला करूंगा कोई करता है ऐसे ज़रूरत से जाता है वही निकलो तो ज़रूरत तो है दुनिया की हर शख्स को है पेट अल्लाह ने लगा दिया इज़्ज़त भी हर एक की ख्वाहिश है इज्जत भी इंसान के लिए ज़रूरी है बहुत से मुसीबतों से बचा रहता है इज़्ज़त की वजह से सेहत तो बहुत ही ज़रूरी है वो तो हम भी बयान कर चुके हैं इस्लाम का हुक्म है सेहत की हिफाजत करो लेकिन इन चीज़ों से दिल लगाने की इजाज़त नहीं।, नहीं।, नहीं दिल बड़ी क़ीमती चीज़ है ये बहुत सोच समझ के लगाया जाएगा देखो दिल ऐसे को दिया जाता है जो दिल को परेशान ना करे क्या ख्याल है बात से बात निकलती है मौजू चेंज हो जाता है सूर्य कलम लेके चल रहे हैं लेकिन चलो ये बात भी थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं सुकून कहाँ होता है दिल में ना साइंटिफिक तो दिमाग में होता है मैं अभी उस गहराई में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत से ना लोग बैठे होते कहते हैं भाई ये तो दिमाग की सारी दिल का तो काम सिर्फ पंपिंग करना है तो शरीयत ने तो हर चीज़ की नस्बत दिल की तरफ की है ना दिल में सुकून दिल में गौर गौर व फिक्र करो तो उसकी क्या वजह है ये एक अलग टॉपिक है अभी मैं उस पर चला गया ना कि भाई इस्लाम ने दिल को क्यों मुतव किया कि इनके सीनों में दिल नहीं है या इनके दिल सख्त हो चुके हैं सख्त तो असल में इनकी खोपड़ी हुई होती है दिमाग सख्त हो गया होता है असर नहीं हो रहा होता तो वो एक अलग बात है उसके मैं इश्काल के जवाब दे भी चुका हूँ अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा लेकिन आम मुहावरों में नस्बत दिल ही की तरफ होती है भाई हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया इसके तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है तो इस मुहावरे में आपकी दिल से जो मुराद होती है मेरी भी फिलहाल वही मुराद है ताकि बात आगे चले ना तो सुकून का महल क्या है दिल खुशी का महल महल कहते हैं जगह खुशी किस जगह पे होती है दिल में होती है गम कहाँ होता है दिल में कहना तुमने मेरा दिल दुखा दिया तुमने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया तो इंसान सुबह शाम सुकून के लिए कोशिशें करता है खुशी के लिए कोशिशें करता है तो खुशी के लिए इंसान की जो कोशिशें होती हैं तो जब उन कोशिशों में कामयाब होता है तो खुशी महसूस कहाँ होती है दिल तो पता ये चला देखें इंसान खुश होता है अपनी महबूब चीज के मिलने से ऐसा ही है ना तो दिल कब खुश होगा जब दिल को उसकी महबूब चीज मिलेगी दिल चाह रहा है ये खा लो खाओगे तो खुश हो जाओगे दिल चाह रहा है ये कर लो वो काम कर लिया तो खुश हो जाओगे दिल चाह रहा है कि ये चीज मिल जाए गाड़ी मिल जाए मिल जाती है तो दिल क्या होता है खुश होता है तो सारा जो मसला है ना वो है दिल का तो याद रखें कि दिल को खुश करने के लिए ये जरूरी है कि इसको इसकी महबूब चीज मिले तो जिन चीजों से दिल को पहले से मोहब्बत है ना वो इंसान को मिलती नहीं है टेंशन वाला मसला ये है आप कहें भाई जो इतने लोग खुश होते हैं उनको इनकी दिल की पसंदीदा चीज़ें मिल जाती हैं तभी तो खुश होते हैं ना भाई मसला एक दिल में बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि इसे इसकी जब महबूब चीज़ मिलती है तो इसके दिल में उससे ज़्यादा की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होती है समझ रहे हैं बात को लिहाज़ा ये पहली मरतबा में तो उससे खुश होता है उसके बाद फिर ये उससे खुश नहीं होता उससे ज़्यादा मांगता है हमारे एक दोस्त हैं अल्लाह ने उनको माली वसुत दी वो एक ज़माने में बड़ी ग़ुरबत थी तो मुझे अपना वाक़ बता रहे थे कि यार जब हम गरीब थे मदरसे में पढ़ते थे कहते हैं तो मैंने उस वक्त कहीं से हमें याद है एक पराठा आ गया कहीं सुबह नाश्ते में नाश्ते में सूखी रोटी मिलती थी कह रहे हैं वो पराठे के ना हम सब तलबा ने टुकड़े किए एक एक टुकड़ा एक एक पराठा सबको मिला यानी पराठे का एक एक टुकड़ा सबको मिला कह रहे हैं यार उस वक्त उसमें इतनी खुशी से हमने वो टुकड़ा खाया है कि अब अंडे मक्खन में वो मजा नहीं आता वजह क्या है उस वक्त गुर्बत थी उस वक्त पराठे की मोहब्बत थी यार सुबह रोटी खा रहे हैं किसी दिन पराठा मिल जाए तो एक टुकड़ा मिला तो दिल इतना खुश हुआ जितना कोई डिफेंस के लिफ्टन में रहने वाला मक्खन कबाब पे खुश नहीं होता कहने यार अब तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो खुशी नहीं होती तो वजह क्या है भाई जब उससे कम मिल रहा था तो दिल में पराठे की ख्वाहिश थी जब पराठा मिलना शुरू हो गया तो अब ख्वाहिशात उससे ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं ना हमारे अक्सर सियासतदान सारे नहीं ये कबाब पराठे पर थोड़ी खुश होते हैं इनको आप बिरयानी खिला दो इनको सीख कबाब खिला दो मलाई क्या? ये तो गरीबों के खाने हैं भाई आप क्या खाना है आपने कबाब भी खा लिए पराठे भी खा लिए आपने जो है वो निहारी भी खा ली बिरयानी भी खा ली बर्गर भी खा लिया पिज़्ज़ा भी खा लिया ऐसी ऐसी खुराकें तुर्की की डिशें आपने खाई हैं जैपनीज़ डिशें आपने जो इनका दिल चाहता है खाते हैं लेकिन इनको उसमें वो मज़ा नहीं आता ये कहते हैं वो जायदादें है खिलाओ अब हमें ये कबाब ये तो अब ये तो डिफेंस के लिफ्टन के आम मालदार लोग खा लेते हैं यार ये क्या है अब ये इतने अरब बन चुके होते हैं कि इनकी नज़र में अब ये कबाब बिरयानी की कोई वैल्यू नहीं रहती अब जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है भाई जायदादें खिलाओ यार हमें और जायदादें भी एक सुरजानी टाउन की नहीं चाहिए उनको ये चाय ना पट्टी है तो गरीबों की करप्शन है वो जायदादें कुछ इस्लामाबाद के कोई पूरा आधा बहरिया टाउन खिला दो हमको ये अगर इनको ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं अजीब मुसीबत है इंसान हमेशा से यह हकीकत जानता है कि दिल की जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो वो उससे बड़े की ख्वाहिश उसमें पैदा होती है तो यह अजीब बात है कि ये तो कभी खुश हो ही नहीं सकता यह एक ऐसी हकीकत है जिसको सारी दुनिया के सारे माहरीन मानते हैं लेकिन फिर भी वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो बताओ कभी ऐसे दिल को सुकून मिल सकता है आज आपकी ख्वाहिश ये मिल जाए तो जब वो मिलेगा ना तो उससे आगे की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होगी फिर उससे आगे की पैदा हो चुकी होगी